अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इमली का खट्टा मीठा शरबत। इमली के साथ हमें चाहिए, ये क्या होता है, पुदीना, काला नमक, चीनी और ये खट्टी मीठी इमलियाँ जो मैंने पिछले व्लॉग में दरख्तों से तोड़ी थी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम इमलियों को बड़े वाली छुरी से काटेंगे, इनके छिलके उतारेंगे। ये छुरी भी अच्छी नहीं है, छुरी अच्छी नहीं है, छुरी चेंज करती हैं, इसके छिलके काटती हैं। सबसे पहले जूसर में हम डालेंगे अपने कटे हुए आम, फिर पुदीना, ये सारा पुदीना जूसर के अंदर। उसके बाद हम छुरी से ये जो आम हमने कच्ची कैरी हमने काटी है उसको ऐसे करके जूसर के अंदर डालेंगे जितना बनाना हो। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम बना हुआ है। फिर हमारा खट्टा मीठा जूस बनाने का दिल कर गया। इमली, पुदीना, काला नमक और चीनी ऐड करके इसको एक रगड़ा देके फिर ऐसे पीएंगे। जग भर गया काला नमक, चीनी, इमली और क्या था, पुदीना, चार आइटम डाल दिए हैं। अभी हम इसको शरबत बनाते हैं, इसका बर्फ़ डाल। हाँ भाई, शरबत हमारी बन गई है। हमने इधर डाला है इसे, चीनी बर्फ ऐड कर लिया है। ये हमारी शरबत अभी रेडी है। फाइनली हमारी शरबत तैयार हो गई है, इसे टेस्ट करके देखते हैं। बहुत मज़ेदार। ये वाला जूस ट्राई करवाती है बच्चों को। हसान पी के बताओ कैसा है। कैसा है, पी के खाओ, थोड़ा सा और भी मज़ेदार है या नहीं है इतना बता दो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रानी की बारी, रानी जूस पी के बताओ कैसा है। कैसा है रानी, मज़ेदार है या नहीं है? है, अच्छा है। पियो फिर से थोड़ा सा और। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।